आजकल अपना खाना पीना ऐसा है जो कि आर्टिफिशियल ज़्यादा हो चुका है, केमिकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं खाने में। तो ये एक आयुर्वेद का एक मूलभूत सिद्धांत जिसको बोलते हैं दूषी विष, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, विष के समान है, और वो लगातार थोड़ा थोड़ा करके हम कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी में, तो वो दूषी विष बोलते हैं इसको। तो एक आयुर्वेद में इसका एंटीडोट बताया गया है दूषी विषारी गुलिका, जो कि अष्टांग हृदय का फॉर्मुलेशन है। तो ये खासकर जो पेशेंट पेट की प्रॉब्लम, IBS टाइप की प्रॉब्लम है जिनको, तो उसमें ये अच्छा से काम करती है। जिसको IBS की प्रॉब्लम है ना, तो उसमें ये टैबलेट अच्छे से काम करेगी। इसके अलावा एलर्जी, कोई स्किन रैशेज होते हैं, अर्टिकेरिया होता है, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि एलर्जी में और पेट की दिक्कत में ये दूसरी विषारी टैबलेट गुलिका काम करती है। जिनको फूड से एलर्जी है, जैसे सपोज कणक से या किसी दूध से, या उसमें एलर्जी प्रोफाइल आता है, तो इसमें ये टैबलेट कुछ हद तक काम करती है। तो आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, दूसरी विषारी गुलिका। इसमें कंटेंट्स पिपली वगैरह ऐसे कंटेंट्स है कि जो कि ये विष, जो धीरे धीरे जो स्लो डोज हम विष की ले रहे हैं खाने में, तो उसके प्रभाव को ये दूर कर देगी। तो इसका प्रयोग हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस में। तो आप अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर वहीं आसपास किसी डिग्रीधारी डॉक्टर से आप दिखा सकते हो। तो दूषी विषारी गुली का आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं इसको, तो इसको आपकी प्रॉब्लम को ये ठीक कर सकती है।